Hi guys, I hope you all are doing well. In today's video, I will discuss introduction questions. The topic is fixing things. Iska hota hai, ko theek karna. So, guys, without wasting any time, let's start today's video. The meaning of fixing things, the act of putting something in working order again. मतलब कि कोई चीज़ है वो ख़राब हो गई थी उसको दोबारा से ठीक करके दोबारा से मतलब उसको ऐसी कंडीशन में लेके आना कि दोबारा से वो काम कर सके मतलब कि उसको रिपेयर करना उसको ठीक करना सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस वीडियो इज़ डू यू ऑफन फिक्स थिंग्स सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अक्सर चीज़ों को ठीक करते हो ऑफन का मतलब होता है अक्सर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट सच बताऊं। आई डो नॉट ऑफन फिक्स थिंग्स मैं अक्सर चीज़ों को ठीक नहीं करती बट पर समाइम्स कभी कभी आई डू ट्राई टू फिक्स थिंग्स मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ों को ठीक कर सकूँ इफ़ आई फील अगर मुझे महसूस होता है आई कैन डू सो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड यू लर्न टू फिक्स थिंग्स वैन यू वर यंगर तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप छोटे थे तब आपने ये सीखा था कि चीज़ों को कैसे फिक्स करते हैं सो so, ये चीज़ आपने सीखी थी जब आप छोटे थे द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस हाँ आई हैड लर्नड एट मैंने ये चीज़ सीखी थी फ्राम माई स्कूल टीचर्स एंड पेरेंट्स जो मेरे स्कूल के अध्यापक हैं उनसे एंड और मेरे माता पिता से वैन आई वॉज यंग जब मैं छोटी थी दे टोल्ड मी उन्होंने मुझे बताया था टू फिक्स थिंग्स दोज वी कैन कि उन चीज़ों को ठीक करना चाहिए जिनको हम कर सकते हैं बिकॉज क्योंकि इन दिस वे इस तरीके से वी नाट ओनली सेव आर मनी हम जो हमारा पैसा है उसको ही नहीं बचाते बट सबों ऑल्सो प्रोड्यूस लेस वेस्ट बहुत ही कम वेस्ट पैदा करते हैं प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करना सो so यहाँ पे हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा के कंडीशनल सेंटेंस बनाया है द थर्ड कौशन ऑफ दिस फेडियो इज What do you do when one thing is broken and cannot be fixed? तो गाइज इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या करते हो जब एक चीज टूट जाती है एंड और वो फिक्स भी नहीं की जा सकती मतलब कि उसको ठीक भी नहीं किया जा सकता तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वैन आई कैन नॉट रिपेयर एनी ब्रोकन आइटम जब मैं किसी भी जो ब्रोकन टूटी हुई चीज़ है उसको ठीक नहीं कर पाती देन फिर आई लुक फॉर समन एक्सपर्ट पर्सन तब मैं देखती हूँ कि कोई ऐसे एक्सपर्ट पर्सन है वो कैन रिपेयर इट जो कि इसको ठीक कर सकता है और या फिर स्टिल फाइंड अ यूज फॉर इट या फिर इसके लिए अभी भी कोई ना कोई उपयोग ढूंढ सकता है इफ़ डॉट अगर ऐसा नहीं होता देन आई डिस्ड इट तो मैं उस चीज़ का त्याग कर देती हूँ सो गाइस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी फॉर पीपल टू लर्न टू फिक्स थिंग्स तो गाइस इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि क्या ये ज़रूरी है लोगों के लिए सीखना चीज़ों को ठीक करना द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस हाँ इट इज़ नेसेसरी ये ज़रूरी है फॉर मल दि फॉर पीपल लोगों के लिए टू लर्न टू फिक्स थिंग्स कि वह सीखें चीज़ों को ठीक करना बिकॉज क्योंकि दिस इज अ स्किल ये एक हुनर है दैट जो की हेल्प्स अस टू सेव द एन्वायरमेंट जो हमारी सहायता करता है बचाने में जो इन्वायरमेंट है वातावरण है पर्यावरण है उसको एंड और प्लेज वेरी इम्पोर्टेंट रोल और निभाता है बहुत ही ज़रूरी जो रोल है वो इनर डे टू डे लाइफ हमारी रोजाना की जिंदगी सो गाइज सॉल्थ दिस वीडियो आज की पीढ़ी यहीं ख़त्म होती है अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो इस वीडियो से रिलेटेड तो अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो इन द ब्लॉग कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियो रिलेटेड टू एल्स सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय एंड टेक केयर